हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं बताऊंगा किस प्रकार से दोस्तों भिन्न की भाग को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब दोस्त करना ना भूलें। दोस्तों आप बिना स्किप किए ही दोस्तों सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सिंपल सी एक ट्रिक में सीख सकते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों 3/8 में 7 का भाग कैसे दें। अब लिखते हैं 3/8 / 7। दोस्तों अब इसको ऐसे लिख लेते हैं। दोस्तों 3/8 फिर भाग और 7 के बटे में कोई नहीं, तो दोस्तों 1 लिख लेते हैं। और 1 लिखने के बाद दोस्तों फिर ऐसे ही इसको उतार लेते हैं। दोस्तों अब इसको गुणा कर देते हैं। दोस्तों अब इसको पलट देते हैं, इस वाली भिन्न को पलट देते हैं। दोस्तों 1/7 कर देते हैं। दोस्तों अब इसको गुणा करते हैं। अब गुणा करते हैं दोस्तों, देखिए ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। दोस्तों अब इसका इसका 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 दोस्तों, और 7 × 8 = 56। यही इसका राइट आंसर है दोस्तों, 3/56 इसका राइट आंसर है। दोस्तों अब इधर वाला सवाल देखते हैं। दोस्तों 17/5 भाग 8। दोस्तों इसे देखते हैं, 17/5 भाग 8, ये तो लिख लिया दोस्तों, 17/17 भाग दोस्तों। अब लिखे 8/1, जिसके बटे में कोई नहीं होता दोस्तों उसके बटे में 1 होता है। दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। अब देखिए 17 ऐसे लिख लेते हैं, 5 ऐसे लिख लेते हैं और इसको पलट देते हैं। दोस्तों इसे पलटेंगे दोस्तों तो इसका गुणा हो जाएगा भाग का। दोस्तों भाग का क्या हो जाएगा, गुणा दोस्तों, 17 का ऊपर गुणा हो जाएगा और इसका नीचे हो जाएगा। दोस्तों अब देखते रहिए दोस्तों, ऊपर का नीचे करते हैं, 1 इसका ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया। दोस्तों अब इसको करने के बाद दोस्तों इसका इसका गुणा करते हैं, 17 × 1 = 17 और 8 × 5 = 8 × 5 = 40 दोस्तों, 8 × 5 = 40 इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप देखते रहिए दोस्तों बिना स्किप किए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अब इसको देखते हैं दोस्तों 5/7 भाग 3, इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं 5/3, 5/7 / 3, जब कुछ नहीं इसके बटे में 1 लिख लेते हैं। दोस्तों इसके बटे में कुछ नहीं है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 होता है। दोस्तों अब इसको लिख लेते हैं, अब इसको हमें अगर भाग करना है दोस्तों तो इसे भिन्न के रूप में इसे बदलना है दोस्तों, तो हमको इसको पलटना होगा दोस्तों, इसे इसको पलटना होगा। दोस्तों देखते हैं, 5/7 × 1/3। दोस्तों देखिए इसको पलट दिया दोस्तों, ऊपर ऊपर का गुणा होता है दोस्तों, नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा। दोस्तों 5 × 5 = 21, 7 × 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये भिन्न को 5/7 लिखा दोस्तों, इसके बटे में कुछ नहीं है दोस्तों, तो 3/1 लिख लिया है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। दोस्तों फिर यहाँ पे ऐसे 7/8 उतार लिया दोस्तों, इस भिन्न को पलट लिया दोस्तों, इसको 1 को ऊपर कर दिया, 3 को नीचे कर दिया। दोस्तों इसको नीचे करने के बाद दोस्तों 5 इसके इसकी गुणा किया दोस्तों, 5 × 5 = 7 × 21 दोस्तों ऐसे लगा लिया दोस्तों। इसको और देखते हैं दोस्तों, चौथा सवाल दोस्तों, इसको देखते हैं दोस्तों 8/5 / 4, जिसके बटे में कुछ नहीं दोस्तों उसके बटे में 1 होता है। दोस्तों और इसको फिर ऐसे उतार लेते हैं, 8/7 ऐसे उतारा दोस्तों। अब जिसको अगर हमें भिन्न के रूप में बदलना है दोस्तों तो इसे भाग को हमें पलटना पड़ेगा दोस्तों, इसको मोड़ना पड़ेगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, इसको भाग के रूप में अगर हमें बदलना है दोस्तों तो 1/4 दोस्तों इसको पलट दिया हमने,
देखिए दोस्तों, ये एक को ऊपर लिख लिया और ये चार को नीचे लिख दिया। इसको भिन्न के रूप में अगर हमें बदलना है दोस्तों तो इसे पलटना जरूर पड़ेगा। दोस्तों देखते हैं दोस्तों, आठ बटे इसको गुणा के रूप में पलट लिया दोस्तों। जब पलट लिया दोस्तों तो इन दोनों को गुणा करना है दोस्तों। आठ एकम आठ, पाँच चक्कू बीस दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब इधर देखते हैं दोस्तों पांचवां सवाल। पांचवां सवाल दोस्तों क्या है, पंद्रह बटे पांच भागे तीन, जिसके बटे में कुछ नहीं है दोस्तों उसके बटे में एक लिख लेते हैं दोस्तों। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं दोस्तों, तो इसके बटे में एक लिख लिया दोस्तों। अब हमें इसको गुणा करना है, अगर भिन्न बदलना है दोस्तों, हमें अगर भाग को भिन्न में बदलना है दोस्तों तो हमें गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। जब गुणा करना पड़ेगा दोस्तों तो हमें इसे पलटना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इसको हम को पढ़ लेते हैं दोस्तों, इसको ऐसे उतार लिया। अब भाग को हमें गुणा करना दोस्तों, इसको कर लिया, इसको ऊपर एक को लिख लिया और नीचे का गुणा किया, तीन को नीचे लिख लिया दोस्तों, ऊपर का था। देखिए दोस्तों एक को ऊपर लिख लिया, तीन को नीचे लिख लिया दोस्तों, इसको ऐसे उतार लिया दोस्तों। अब इसका इसका गुणा करना है दोस्तों। देखिए पाँच एक पंद्रह कम पंद्रह, पांत्या पंद्रह, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए दोस्तों, इसके आगे और चलते हैं दोस्तों। देखिए दस बटे नौ भागे पाँच दोस्तों, इसके बटे में कुछ नहीं तो दोस्तों इसके बटे में एक होगा दोस्तों। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक होता है दोस्तों। फिर देखते हैं दोस्तों, इसको इसे उतार लिया, दस बटे नौ को उतार लिया दोस्तों। इसे अगर हमें भिन्न में बदलना तो इसे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, इसको पलट लिया, एक ऊपर कर लिया पांच नीचे कर लिया दोस्तों। अब इसकी इसकी गुणा कर दें, ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे की गुणा, दस एकम दस, नौ पचे पैंतालीस, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें।